खंडहर भी बोलते हैं, यकीन नहीं आ रहा ना? कभी खंडहरों के पास खड़े होकर देखिए, गौर से हर टूटी ईंट को और उन दीवारों को देखिए। टूटी हुई दीवारें उस जमाने की गवाह होती हैं जब वो खंडहर भी कभी खूबसूरत इमारत हुआ करते थे। खंडहर की भाषा हर कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि वो भाषा हमारी भाषा जैसी नहीं होती। टूटे फूटे ईंट पत्थरों को एक एक कड़ी में जोड़कर उनकी मूक भाषा को समझना पड़ता है खामोशी से। आमतौर से एंथ्रोपोलॉजिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट ही खंडहरों की भाषा समझने में माहिर होते हैं। गुजरात में अहमदाबाद के पास लोथल के वो खंडहर हैं जो कभी एक खूबसूरत शहर हुआ करते थे, सिंधु घाटी सभ्यता का अवशेष। कैसे वो लोग होंगे, क्या उनके तौर तरीके होंगे, क्या उनके शौक होंगे, बस कल्पना ही की जा सकती है। कैसी होगी उनकी शान शौकत, जो लोग बहुमूल्य आभूषणों के व्यापारी थे। कितनी फाइन इंजीनियरिंग का नमूना मिलता है लोथल में। ऐसा कहते हैं कि अपने जमाने में लोथल एक फलता फूलता व्यापार का केंद्र था। वहां बीड्स, जेम्स और बहुमूल्य आभूषणों का व्यापार होता था। कहते हैं कि लोथल के निवासियों ने सिंधु घाटी सभ्यता के समय मानव सभ्यता को महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। सिटी प्लानिंग में, आर्ट और आर्किटेक्चर में, साइंस और इंजीनियरिंग में, पॉटरी में और भी कई क्षेत्र थे जिनमें लोथल के लोगों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ऊपर से टूटे फूटे दिखने वाले खंडहरों में बेशुमार ज्ञान छुपा होता है। हमें सिर्फ उस ज्ञान को पढ़ना और समझना आना चाहिए।